हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक मंथली रीडिंग होगी वर्गो के लिए। वर्गो यानी कन्या राशि, ठीक है। कन्या राशि के लिए अक्टूबर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ बने रहिए गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, ओके। तो मैं रीडिंग कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं आपकी लव लाइफ को देखूंगी, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ की ओर चलेंगी, ठीक है। मेरे वीडियो का लास्ट पोर्शन आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, आपके दिलो दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेके क्या चल रहा है, ओके गाइस। ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। आपकी लव लाइफ को लेके आपके दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप ही की एनर्जी है, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपकी रिलेशनशिप में आपकी थिंकिंग क्या है। आप वर्क करना चाहते हैं लेकिन आपका पूरा फोकस अपने आप पे है, ठीक है। आप अपने आप की ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ लव कर रहे हैं डेफिनेटली। आपको आपको लगता है कि एफर्ट्स डालने चाहिए डेफिनेटली। आप अपनी लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव हैं लेकिन आपका पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पे है। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव आप कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने फाइनेंस करियर को ग्रो करना चाहते हैं। इवन आपके मन में कहीं ना कहीं लव लाइफ में काम करने की इच्छा भी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, मतलब आपका पूरा फोकस आपके फाइनेंस करियर आपकी ग्रोथ पे। आप लव लाइफ को सोचते होंगे बट और देखते हैं आगे क्या आता है, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, वाओ। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप अपने पार्टनर जिनसे भी डील कर रहे हैं वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा कोई, एक्वेरियस कोई हो सकता है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। लेकिन जो भी है, ये जो पार्टनर हैं, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है गाइस, ओके। तो ये जो भी पार्टनर आपको, आप इनको स्टॉक करते हैं, आपके इनके बारे में जानकारी रखते हैं, ये पार्टनर कोई मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या फिर ऐसा कुछ काम करते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा किसी से होता रहता है, यानी कि पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं। और डेफिनेटली ये जो पार्टनर है आपको दिल से प्यार करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ लगता है। इनकी जो फीलिंग्स है बहुत जेन्यून है मुझे लग रही है, ठीक है। उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। किंग ऑफ कप्स ओवरऑल बहुत ट्रू लव होता है, ठीक है। इनके मन में जो भी, ये आपकी बात कर रही हूँ वाइज में, आपके मन में ट्रू लव है जिसके लिए भी है, ठीक है। आप इनको स्टॉक करते होंगे और आप कोई मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके मन में। द हायरोफेंट, या तो ऑलरेडी आप इनसे मैरिड हैं, देखिए, या फिर आपके पास चॉइसेस हैं। प्यार बहुत है गाइज, आपके मन में जो भी पार्टनर है वो टॉरस हो सकते हैं, लेकिन जो भी है जेमिनी भी हो सकते हैं वो, लेकिन आपके आपके मन में प्यार है, आपके पास चॉइसेस हैं डेफिनेटली। आप दो चॉइसेस, दो पार्टनर के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी जो भी हैं आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो अक्टूबर में आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या सोचेंगे अक्टूबर में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं गाइस, ओके ओके। हमारे पास ये कार्ड आने को है, द एम्परर। ये काफी मैच्योर पर्सन लगते हैं मुझे, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ कप्स एंड वाओ गाइस, देखिए जितने एसेस होते हैं सारे एसेस आ चुके हैं गाइस, क्या कर रहे हैं आप। देखिए सबसे पहले मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं, उसी तरह लूंगी दो कार्ड्स और निकालूंगी उसके बाद में। यूनिवर्स दो कार्ड और दीजिए हमें उसके बाद। द हायरोफेंट, द हैंगमैन, ओके, और थ्री ऑफ, ये एक्स्ट्रा मैसेज है हमारे पास, ठीक है। अक्टूबर में इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये कोई बहुत ज्यादा दिमाग वाले पर्सन है और बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन लग रहे हैं। इनको लगता है कि दुनिया की सारी जिम्मेदारी इन पे है, या फिर लेके चलते हैं दुनिया की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। ये एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, या फिर साइन कुछ भी हो, लेकिन सारे साइंस आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। पाइसिस भी कोई हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांगली जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ओवरऑल देखिए आपके जो भी पार्टनर हैं
वो किसी पेन से गुजर रहे हैं पास्ट में, ठीक है। इनका जो पास्ट था वो किसी पेन से गुजरा हुआ है, ठीक है। ये बहुत किसी चीज से हार्ट ब्रेक पहले ही हो चुके हैं, ये अब आपको क्लियरिटी के साथ आगे चलना चाहती है, ये चीजें अपने तरीके से चलाना चाहती है। बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपके प्रति भी मैं देख रही हूँ बहुत पैशनेट है, और ये जो भी करेंगे बहुत क्लियरिटी के साथ करना चाहते हैं, दिमाग से चलना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में इनकी जो प्लानिंग है वो आपको प्रोटेक्ट करके चलने की है, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं बचा के चलना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि जब भी इन्होंने क्लियरिटी की बात करी आपसे, क्लियरिटी तो देना चाहते हैं लेकिन शुरुआत आपसे बहुत पैशनेट भरी होती है इनकी। जब भी मिलते हैं बहुत पैशनेट फील करते हैं, आप बहुत गुड लुकिंग होंगे, आप बहुत ज़्यादा ये आपको एडमायर बहुत करते हैं, आपकी प्रशंसा दूसरों से करते हैं, यानी कि आपको अट्रैक्शन आपसे बहुत मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ एम्परर की एनर्जी, गाइस ये राजाओं का राजा होता है, और राजा जब किसी को पसंद करता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। इवन यहाँ पे ये भी बताती हूँ कि अगर इनका बस चले तो आपके लिए बहुत चीज़ें इनकी दिल में आती होंगी, ठीक है। इनका बस चले तो आपको ये एम्प्रेस बना ले गाइस इनकी एनर्जी ऐसी है। तो गाइस यहाँ पे जो भी पर्सन है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, आपको एक नई शुरुआत पैशनेट भरी देना चाहते हैं। और देखिए एस ऑफ कप्स भी नई शुरुआत का कार्ड होता है, और ये तीनों जो नई शुरुआत है वो आपसे करना चाहते हैं। एक तो आपको क्लियरिटी यानी कि सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, पैशनेट बहुत है आपसे, और ये जो कप्स है ये कहता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूंगी। और कुछ लोग तो यहाँ पे देखिए एम्परर ऑलरेडी मैरिड पर्सन को भी इंडिकेशन देता है, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड इनसे हैं तो डेफिनेटली आपको ये आपसे आपसे अपने बच्चों तक की सोचते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बच्चों तक की बात इनके दिमाग में आती है, और डेफिनेटली ये जो है आपको बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनके दिमाग में प्लानिंग है, इनके दिमाग में आपको प्रोटेक्शन है, इनके दिमाग में आपकी आपके प्रति सिक्योरिटी पनप रही है, ठीक है, आपको सिक्योर करना चाहते हैं, ये बहुत वाइजली चलना चाहते हैं, ये आपसे पैशनेट हैं, आपके प्रति जो भी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप इनसे मैरिड नहीं हैं तो डेफिनेटली इनकी प्लानिंग्स में जो भी होगा वो वाइजली होगा, वाइजली चलना, ट्रेडिशनल से ट्रेडिशनल को फॉलो करना यानी कि रीति रिवाज निभाना, ये सब बातों को फूक फूक के बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं। ये आपके पास आएंगे तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के ट्रेडिशनली इनको क्या करना चाहिए वो चीज़ें करना चाहते हैं। एक्चुअली ये हेरिफेंट का कार्ड हस्बैंड का कार्ड भी होता है, और एम्परर भी एक बहुत मैच्योर पर्सन का कार्ड होता है, जिम्मेदार पर्सन का कार्ड होता है। तो आपके पार्टनर ऐसे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये चीज़ों को लीगली करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो भी पर्सन है आपके प्रति बहुत पैशनेट है, और डेफिनेटली चीज़ों को जो रीति रिवाज कहते हैं, ट्रेडिशनली जो चीज़ें होती है, ट्रेडिशनल मैरिज, ट्रेडिशनली जो फॉलो करने चाहिए नियम, वो उन चीज़ों को सोच समझ के करना चाहते हैं। दी हैंगमैन, ये जब भी आपके प्रति कुछ इशू मतलब आपसे इनकी नई शुरुआत, एक डिवाइन कनेक्शन इनको लगता है, स्पेशल कनेक्शन मालूम होता है, ये जब भी आपसे मिलते हैं तो लगता है कि आप में कुछ स्पेशलिटी है जो और किसी में नहीं है, ठीक है। ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, ये स्पेशल कार्ड, ये पता है गाइज, ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ जैसे वीकेंड पे चले गए, बहुत सारी ऐसी बातें जो इनके दिमाग में चलती रहे आपके साथ एंजॉय करने की। लेकिन ये कार्ड जो इसका मेन मीनिंग होता है एंगेजमेंट होता है, ये आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं। इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि ये बहुत डीप डाउन आप ही के बारे में सोचते हैं, आपके आपके बारे में, जैसे कि मैंने कहा एक फैमिली नहीं बल्कि बच्चों तक की बात सोचते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अक्टूबर में इतना सोचेंगे आपके लिए ये नई शुरुआत करने के लिए। इनमें एक अलग सी क्यूरोसिटी मुझे मालूम हो रही है, ठीक है। इनके कार्ड्स में आपको लेके जो प्रोटेक्शन है, आपको लीजिए आपके लेके जो केयर है, आपको लेके जो नई शुरुआत है उसके लिए बहुत पैशनेट है, ठीक है। ये नई शुरुआत आपको बहुत कुछ दे जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये वर्गो आप बहुत बहुत ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपके प्रति बहुत बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इनके मन में, यानी कि आपको खोने का डर भी है कहीं ना कहीं। ये हैंगमैन जो बताता है ये भी वाइज पर्सन को इंडिकेशन देता है, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत आपको वाइजली सोचते हैं, यानी कि ये पॉज में बैठे हैं, इनको पता है कि आपसे एक नई शुरुआत करनी है लेकिन कुछ सोच समझ के करना है। जब भी आपके बारे में कुछ एक्शन लेने की सोचते हैं तो काफी सोच विचार के फिर एक्शन लेते हैं, ठीक है। ऐसे इनके ऐसे ऐसे इनके एक्शन होंगे अक्टूबर में। तो जितना मिले आपसे उतना ही रेजोनेट कीजिएगा। अब मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, आप क्या चाहते हैं अक्टूबर में, आप कैसे रहेंगे, ठीक है, आपकी क्या एनर्जीज है। ओवरऑल देखें तो गाइज ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे बहुत लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं। तीन तीन एसेस का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रीडिंग में। तो आपके पार्टनर की तरफ से थ्री थ्री एसेस को हमने देखा, तीन तीन बार क्लियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ,
आपके साथ पूरी दुनिया देखते हैं ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। टॉरो ये बहुत डेडिकेटेड है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लव में है। ये किसी किसी के लिए न्यू लव भी हो सकता है क्योंकि एस ऑफ कप्स इंडिकेट करता है न्यू लव, ठीक है। चलिए देखते हैं, बस बताएं मेरे जो वर्गो हैं वो क्या सोचेंगे अक्टूबर में, लव लाइफ को लेकर क्या सोच रहेगी अक्टूबर में, अपने पार्टनर के प्रति क्या सोचेंगे। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे हैं गाइस, लेकिन फर्स्ट जो आया हम ले लेंगे, ठीक है, ये वाला ले लेंगे। एट ऑफ कप्स, आप कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं गाइस, ओके, बस बताएं क्या सोचेंगे मेरे वर्गो, अपने पार्टनर के लिए क्या सोचेंगे। सेवन ऑफ कप्स, ओके, दो कार्ड हमारे पास एक साथ आए, ले लेंगे हम, ठीक है। और ऑल फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस, ये देखिए मैंने आपकी एनर्जीज बताई हैं, अब आपके जो पार्टनर की एनर्जीज बता दी मैंने, ये आपकी एनर्जी बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं करने के लिए, बहुत सारे काम हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, इनके बारे में ड्रीम्स देखेंगे, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप इनके ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप थोड़े से इगोइस्टिक लग रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच में चलेंगे, जगलिंग चलेगी आपके माइंड में, लेकिन आप इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रही हूँ कि गाइज आप इनके जो ऑफर, ये जो ऑफर दे रहे हैं आपको, उसको आप थोड़ा सा पेंडिंग रख दिए, होल्ड करेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आपकी इनको छोड़ने की नहीं है, बल्कि अपना थोड़ा सा जिद्दी रवैया दिखाने की, और आप इनको थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी फीलिंग्स को बताएंगे नहीं, छुपाते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने फाइनेंस, करियर और अपना जॉब, अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को ग्रो करने में लगे हैं, ठीक है, आपका पूरा ध्यान अपनी स्टेबिलिटी की ओर है। इवन आप इनको होल्ड करके रखना चाहते हैं, यानी कि प्यार तो है आपको, लेकिन कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आप, ठीक है। इनकी फीलिंग्स अपनी इनको बता नहीं रहे कि इनके आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर वो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बहुत ज़्यादा काम में लगे हैं, अपने काम में, अपने अपनी ग्रोथ को लेके आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप प्रैक्टिकली बातों को सोच रहे हैं, लव के बारे में आपका ध्यान थोड़ा कम है, ठीक है। देखिए अभी पेंटिकल्स की कितनी एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो दिमाग है वो सिर्फ पैसा पैसा ये सोच रहा है और प्रैक्टिकली चल रहा है, ठीक है। इवन इमोशंस को आप अपने आगे पीछे भी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट में इन्होंने कुछ गलती की है जिससे के कारण आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और बहुत डिसअपॉइंट आप हुए हैं पास्ट में, आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलतियाँ आपने देख ली, और डेफिनेटली आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, और यही चीज़ें आपको दुखी करती है, ठीक है। आप किसी से वॉकआउट होना चाहते हैं, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक के साथ ये वाला कार्ड आया, तो इसका मतलब ये है कि आप अब इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाहते, इस सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके प्रति एक्शन ले, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ कर दिया, अब आपकी इनकी कोई बात नहीं सुन रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और जो आपकी बात नहीं सुनने की एनर्जी है वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अपने आप में हैं, आप अपनी ईगो में हैं, डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में जगलिंग चल रही है, लेकिन आप बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इनकी बातों का आपका आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, और आप चाहते हैं कि जो आपने किया था, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक किया था आपने, अब वो आपने वो बंद कर दिया, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं आप, कि आपने बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, अब आप इनकी तरफ से देखना चाहते हैं ये क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो गाइज आपसे अगर रीडिंग मैच करती है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि रीडिंग आपसे मैच करती है नहीं, और आपके पार्टनर का हाल तो देख ही लिया हमने, ठीक है गाइज वो आपको कमिट करना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं बातों को, इगोइस्टिक और थोड़ा सा जिद्दी किस्म के पर्सन बन चुके हैं मुझे लगता है, ठीक है आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, बट आप किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप है और भी आपके अलावा जिससे बाहर आ रहे हैं आप, ठीक है, जहाँ आपने इक्वल एग्रीमेंट टेक करा अब उससे बाहर आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे, क्योंकि ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स होता है वो डिवोर्सी को इंडिकेशन देता है, यानी कि पहले किसी और पर्सन से ये शादीशुदा है, फिर वहाँ से बाहर आ रहे हैं,
ये ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। चलिए आपके लिए एडवाइस क्या है वो देख लेते हैं। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। तो सजिटेरियस को ही हो सकता है, आपके साथ लक अच्छा है, आपका भाग्य साथ देगा, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके काम आएगा, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी अपने आप में अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो बिल्कुल जिस एनर्जी में आप हैं उसी में रहिए। आपके लिए एडवाइस ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें लक आपका साथ देगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी, जैसे कि हम वैसे भी कहते हैं कि जब अपने आप पर कोई सेल्फ लव करने लग जाता है तो लोगों का अट्रैक्शन उसके और बढ़ता है कि अपने आप में खुश क्यों है, इस तरह की से लोग उन पे ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जो सेल्फ लव पे ध्यान देते हैं, उनसे लोग चला के आगे आके अट्रैक्शन में आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अपनी एनर्जी बनाए रखिए, अपने आप में रहिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लक आपकी साइड है, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपकी लव, अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं हम। हेलो गाइस, तो वर्गो आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी वो हम चेक करने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। आपका जॉब प्रोफेशन कैसा चलेगा वो हम चेक करेंगे, ठीक है। एनर्जीज देख लेती हूँ मैं, कैसी एनर्जी आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब ठीक है अपनी जॉब प्रोफेशन को लेके। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो बीजे से रिलेटेड है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई एडवाइजर भी हो सकता है आपका, कोई दोस्त है, कोई मित्रों के साथ मिलके या फिर दोस्तों के साथ मिलके आप कोई काम करते हैं जो कि मीडिया से रिलेटेड है। इसमें आप बहुत ज़्यादा किसी की एडवाइस से काम कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं एक बार, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स, आप कुछ पेन में हैं, कुछ आपने हार्ट ब्रेक है, किसी हो सकता है कि कुछ दुख, दुख तो मैं नहीं कहूंगी यहाँ पे, कुछ ऐसा हुआ है जिसपे आप गिव अप नहीं करना चाहते। पास्ट में कुछ ऐसा है कि आपने कुछ छोड़ा है या कुछ लॉस फेस किया है, बिजनेस करियर में कुछ लॉस हुआ है आपको बहुत, या किसी काम को आपने छोड़ा रिसेंटली और आप ये कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ चीजें खत्म कर देना चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। और किसी चीज पे गिव अप नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दे रहा है। लेकिन स्टैंड खड़े, जिसमें भी आपको लॉस हुआ है, अगर बिजनेस करियर में लॉस हुआ है तो उस पर आप गिव अप नहीं करें, दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपने कुछ छोड़ा है तो फिर भी आप उस चीज को वापस रीस्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हर्डल्स बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, लेकिन आप जो चीज में पेन हो रहा है उस पर गिव अप नहीं करें, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और या फिर ऑलरेडी आप किसी चीज को छोड़ चुके हैं तो अब आप कुछ और चीज नया स्टार्ट करने वाले हैं जिसपे आप गिव अप नहीं करेंगे, आपने ठान ली कुछ, ठीक है। आपने ठान ली कि जितनी मुसीबतें आएगी उसको फेस करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं और रोल आपके लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ कैसी चलेगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। थ्री कार्ड हमारे पास आ चुके हैं, टू और एक और पंची, लास्ट कार्ड चाहिए। चलिए ऐसे ले, ओके, ओवरऑल सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या कार्ड है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास डेविल का आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अपने अपने जो काम है, जॉब है आपका, जो भी बिजनेस करते हैं उसमें आप चाहते हैं कि आपको जितना जितना आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग मिले। कोई चैरिटी भी करता है यहाँ पे, ठीक है, कोई दान दान दे रहे हैं, किसी ऐसी फील्ड में आप काम करते हैं जहाँ पे कि कुछ किसी को चैरिटी करनी है, इस तरह का काम भी आप करते होंगे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी कोई ट्रस्ट है उसमें आप दान दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है। आप पैसों से किसी की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं अक्टूबर में, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और ये फाइनेंशियली हेल्प किसी अपने के लिए कर रहे हैं आप, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेविल का कार्ड है, कुछ टॉक्सिक है जिसके बारे में आप हैंग पड़े हैं, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड बताता है कि आप बिल्कुल पॉज लिया हुआ है किसी कनेक्शन से आपने, ठीक है, ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक है। या फिर जॉब है या कोई ऐसा कोई काम है जिसको आपने बहुत ज्यादा मेहनत से करा है, बहुत ज्यादा उसके प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली सोचते थे, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्किंग की है, लेकिन अब उस पर पॉज ले लिया है, ठीक है। आपने जो भी काम है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आपके लिए बन गया था, मतलब बहुत परेशानियाँ खड़ी कर रहा था,
बिजनेस करते हैं तो उसमें आपने बहुत कुछ दिया, तन मन धन लगा दिया, लेकिन वो टॉक्सिक बन चुका है और अब उससे आपने पॉज ले लिया, आपने बंद कर दिया वो काम। जैसे कि हमने 10 of Swords भी देखा था, कुछ काम आपने बंद कर दिया है जिससे पॉज लिया हुआ है। आप डीप डाउन बहुत सोच रहे हैं उस काम के बारे में, नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। और ये एफर्ट्स ऐसे होंगे कि आपने पहले कभी ऐसे काम नहीं किए, मतलब कुछ अलग तरीके से आप एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, स्किल्स दिखा के, ठीक है, कुछ आपने नया सीखा है, या तो या फिर कुछ नॉलेज ऐसी आई है जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते थे, उसके अकॉर्डिंग आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब स्किलफुली काम करना चाहते हैं, जद्दी बेस्ट जो आपका कर सकते हैं आप वो करना चाहते हैं, जिससे नई नई जो शुरुआत है आपको स्टेबिलिटी दे, यानी कि फाइनेंस करियर को स्टेबल कर दे, ऐसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। 2 of Swords आपके माइंड में फिर भी कुछ जगलिंग है, फिर भी कंफ्यूजन है कि क्या किया जाए, ये नई शुरुआत अच्छी होगी या फिर पुरानी को खत्म करना अच्छा होगा, ये दोनों चीजें आपके माइंड में जगलिंग कर रही है। लेकिन सॉर्ट्स की एनर्जी ऐसी होती है कि आप कुछ दिनों की होती है, यानी कि 1-2 दिन या 4-5 दिन आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे मेरे माइंड में कंफ्यूजन है, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, मतलब स्टकनेस महसूस करेंगे। लेकिन ओवरऑल किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जो आप काम दिल से चाहेंगे वो ही करेंगे, ठीक है, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने दिल की, ऐसा मैं कहूंगी, क्योंकि ये जो काम है आपके दिल से जुड़ा हुआ है, आप तन मन धन अपनी स्किल्स यूज करेंगे इसमें, यानी कि अपना बेस्ट 100% देना चाहेंगे, जिससे और इस तरीके के तरीके अपनाएंगे जो आपने अभी तक यूज नहीं करे थे। ये कोई की एडवाइस हो सकती है, किसी और का कुछ कुछ ऐसा नयापन जो कि आपने पहले नहीं किया, वो काम को करने में आप लगाएंगे, ठीक है, कुछ नई स्किल्स को यूज करेंगे, कुछ नए आइडियाज आएंगे जिससे आप अपने जो ग्रोथ है, जो पास्ट में टॉक्सिक बन चुका था, उसको दूर हटा के आप नए कनेक्शन में जाए, नई जॉब या करियर में जो शुरुआत करेंगे वो स्किलफुली करने वाले, यानी कि कुछ बेटर तरीके से करना चाहेंगे, बेटर स्किल्स यूज करेंगे। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड जहाँ आता है वो बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, आप अपनी दिल की जीत को हासिल करेंगे, यानी कि दिल से जुड़ा हुआ जो काम है उसको करेंगे, और डेफिनेटली उसमें एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके पास ग्रोथ तो आने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल डेफिनेटली जो भी काम कर रहे हैं वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, आप वाकई में उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, और डेफिनेटली ये जो काम है वो आपकी मेहनत को रंग लाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी आपको देगा, जो काम अभी शुरुआत कर रहे हैं उसमें एक स्टेबिलिटी आपके पास आएगी ही आएगी, और ये स्टेबिलिटी आपको इक्वल गिव एंड टेक करने पे, मतलब आपको जितना करा उतना मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये जो रीडिंग है आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है बिजनेस जॉब करियर को लेके, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी और रीडिंग आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तो मैं जब भी आप पोस्ट करूंगी आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो गाइज मैं चलती हूँ अभी के लिए, बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइज।